दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए आज की पहली खबर में देखिए, बिहार के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद, कड़ाके की ठंड देखते हुए लिया गया फैसला। जी देखिए, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने 23 दिसंबर को यह आदेश जारी किया है। बता दें कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं मौसम के मजाज को देखते हुए आगे भी स्कूल बंद रखने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। बड़ी खबर में देखिए, मोतिहारी से लीक हुआ था बीएसएससी का प्रश्न पत्र। सुपौल के परीक्षार्थी अजय ने मोबाइल से खींची थी फोटो, ईओए ने 4 को उठाया। जहाँ देखिए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले को आर्थिक अपराध इकाई ने काफी हद तक सुलझा लिया है। मोतिहारी, सुपौल और पटना में अब तक कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। वही देखिए, इस दरमियान कुल 4 लोगों को आर्थिक इकाई की टीम ने अलग अलग जगहों से अपने कब्जे में लिया है, जिसमें 2 सगे भाई है जबकि 1 इन्विजिलेटर है। वही चौथा शख्स पकड़े गए 2 सगे भाइयों का मददगार है। सूत्रों से पता चला कि बीएसएससी पेपर लीक कांड का सेंटर पॉइंट मोतिहारी है। वहीं से शुक्रवार को पेपर लीक हुआ था, इस बात की पुष्टि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में हो चुकी है। अधिक जानकारी क्लब को बता दें कि मोतिहारी के शांतिपुर इलाके में शांति निकेतन जुबली स्कूल है। इस स्कूल को बीएसएससी के एग्जाम के लिए सेंटर बनाया गया था। सूत्रों के अनुसार इसी स्कूल से पेपर लीक हुआ है। दरअसल सुपौल का रहने वाला अजय इस एग्जाम का कैंडिडेट है। बड़ी चालाकी के साथ मोबाइल फोन लेकर ये एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर गया, कैंपस के अंदर ही घुमा फिरा। वहीं जब क्वेश्चन पेपर इसके हाथ में आया तो बहुत ही सावधानी बरतते हुए इसने अपने मोबाइल से क्वेश्चन पेपर के हर पेज का फोटो खींचा और उसे किसी को भेज दिया। फिर एग्जाम खत्म होते ही इसने मोतिहारी छोड़ दिया और सुपौल के लिए निकल गया। जब आर्थिक इकाई की टीम जाँच करते हुए मोतिहारी पहुंची और स्कूल में लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला तो अजय की हरकत दिखी। सूत्रों के अनुसार पहले इसकी हत्या के संदिग्ध दिखी। वहीं जब आर्थिक इकाई की टीम ने पेपर लीक करने वाले अजय की पहचान की तो दूसरी टीम को इसके पीछे सुपौल भेज दिया गया। शुक्रवार की देर रात को जांच करते हुए टीम के हाथ कुछ और सबूत लगे, जिससे पता चला कि पेपर लीक करने में अजय अकेले नहीं है, इसका सगा भाई विजय भी इसका साथ दे रहा था। बड़ी खबर में देखिए, देश में कोरोना का खतरा, केंद्र को राज्यों का निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वेंटिलेटर दुरुस्त रखे। जी हां देखिए, देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इसी बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौतियों के लिए सबसे पहले तैयार रहना होगा। वहीं देखिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाए। वहीं देखिए, इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं देखिए, बिहार में कोरोना को लेकर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिया अलर्ट रहने का निर्देश, कहा घबराने की जरूरत नहीं। जहां देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से कहा कि कोरोना को लेकर घबराए नहीं, लोग सचेत और सजग रहे। शनिवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में कोरोना से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं देखिए, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच और कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए, बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए कोरोना के फिर से बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि राज्य में आज की तिथि में कोरोना के एक्टिव केस 0 है, इसलिए हमें कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर में देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मोतिहारी कांड पर जताया दुख, मृतकों को मिलेगा 6 लाख मुआवजा। जहां देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी फटने से दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख मुआवजा और घायलों के लिए 50-50 हजार मदद की घोषणा की है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख देने की घोषणा की है। वही इससे घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उनके पूरे इलाज की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।
बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत कई जिलों में बारिश और बढ़ेगी ठंड, कोहरे के साथ शीतलहर। भागलपुर में 6 डिग्री तक गिरा पारा, स्कूल 31 दिसंबर तक बंद। जहां देखिए बिहार में ठंड से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर पटना समेत कई जिलों में शनिवार शाम को बारिश हुई है। वह देखिए बेमौसम हुई इस बारिश से ठंड और बढ़ेगी। बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में कोहरा की वजह से कनकने भी बढ़ गई है। वह देखिए बीते दिन ठंड के कारण सिवान और लखीसराय में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वह देखिए घना कोहरा होने के कारण से रेल, विमान और बस सेवाएं भी चरमरा गई है। साथ ही देखिए पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों के अनुसार देश के 10 प्रदूषित शहरों में 7 प्रदूषित शहर बिहार के देखे गए हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित कहे जाने वाले दिल्ली का AQI शुक्रवार की सुबह 366 रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का AQI 361 रिकॉर्ड किया गया। सिवान का AQI 395, दरभंगा के AQI 384, समस्तीपुर का AQI 376, भागलपुर का AQI 371, बेतिया का AQI 370 दर्ज किया गया। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भी आप देख सकेंगे गैंडे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पेश से हो रहे गैंडों की बसाने की तैयारी। जहाँ देखिये बिहार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों को फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। BTR को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। यहाँ अगले साल गैंडों को असम से लाया जा सकता है। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों को फिर से बसाने से बिहार को गैंडों का अपना झुंड वापस मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ एकमात्र गैंडा रहता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 5 जनवरी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। वैक्सीन लेने वाले कांग्रेसी ही होंगे शामिल। जी हां देखिए, बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेता तैयारी में जुट गए हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अलग अलग अवसरों पर आएंगे। वहीं देखिए कोरोना के नए वेरिएंट के बीच कांग्रेस की बिहार में यह यात्रा 5 जनवरी से आरंभ हो रही है। इसे देखते हुए पाड़े वैक्सीन डोज लेने वालों को यात्रा में शामिल होने का निर्देश जारी करेगी। साथ ही यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को सुरक्षा के लिहाजे से किसी प्रकार का लक्षण होने पर उसे कोरोना की जाँच करा लेने का परामर्श देगी। वहीं देखिए बिहार में भारत जोड़ो यात्रा संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक पूरे यात्रा का रूट चार्ट तैयार नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के परामर्श के बाद जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का रूट तैयार कर लिया जाएगा। अभी तक बांका के मंदार से लेकर भागलपुर तक रूट चार्ट तैयार हुआ है। इसमें 2 रात्रि विश्राम बांका जिले में अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। इसके बाद की यात्रा में 1 रात्रि विश्राम भागलपुर शहर के पहले निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, 2023 में 7वें चरण में 2 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। जहां देखिए वर्ष 2023 शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धि वाला साल होगा। इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी बल्कि नए पद के सृजन का रास्ता भी खुलेगा। वहीं देखिए आने वाले साल में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। नए साल में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षक और 90,000 प्लस टू शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं देखिए अब नए साल में नए नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 1800 स्कूलों को इंटर स्कूल में अपग्रेड करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी सभी पंचायतों में इंटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। साथ ही देखिए इस साल सभी प्रारंभिक विद्यालयों को अपना विद्यालय भवन मिलने की उम्मीद है। अभी 15,940 प्रारंभिक विद्यालयों में 15,653 विद्यालयों को भवन तैयार हो चुका है। बड़ी खबर में देखिए, आधार से पैन को लिंक नहीं किया तो इस तारीख के बाद हो जाएगा निष्क्रिय। आयकर विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जद के आयकर विभाग द्वारा शनिवार को जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि जिन लोगों ने भी अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, 31 मार्च 2023 से उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं देखिए पैन जारी करने वाले विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत अभी तक लोगों को अपने पैन से आधार से लिंक कराना जरूरी है जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वहीं 31/3/2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले उन व्यक्तियों को छूट दी गई जिनके आयकर अधिनियम 1961 में नॉन रेजिडेंट माना गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब बालू खनन मार्च तक होगी, सुप्रीम कोर्ट से रोक हटी। जहां देखिए सूबे में बालू का खनन बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे बालू संकट उत्पन्न होने के पहले सूबे को बड़ी राहत मिल गई है। बिहार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है बल्कि संबंधित प्राधिकार को भी इस दौरान बंदोबस्तधारियों को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में रिकॉर्ड 4 लाख ने बनवाया पासपोर्ट, 53,000 खाड़ी देश गए। जहाँ देखिए बिहार से विदेश जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। सबसे अधिक इस वर्ष 53,000 लोग खाड़ी देश गए हैं। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में लोगों ने पासपोर्ट भी अधिक बनवाया है, साथ ही खाड़ी देशों में जाने वालों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इनमें सबसे अधिक सिवान, गोपालगंज और पटना जिले के 25 से 40 साल आयु वर्ग के युवा है। प्रदेश में अब तक हर साल पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या 2.5 से 3 लाख होती थी, लेकिन इस वर्ष यह संख्या 4 लाख तक पहुंच गई है। वहीं देखिए दिलचस्प बात यह है कि खाड़ी देश जाने वालों में सबसे अधिक नॉन मैट्रिक युवा है। वहीं देखिए पटना रीजनल पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पहले की तुलना में पासपोर्ट बनवाने और विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। 18 देशों के अलावा अन्य देशों में जाने वाले बिहारियों की संख्या कम है। बड़ी खबर में देखिए, कल से अशोक राजपथ पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन। जहाँ देखिए दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मुहैया कराने का निर्देश डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिया है। वहीं देखिए प्रकाश पर्व की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम ने बताया कि 26 से 30 दिसंबर तक अशोक राजपथ पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। केवल रात में 2 घंटे के लिए दीदारगंज कटरा बाजार तक बड़े वाहनों के आने की अनुमति होगी। वहीं आधा दर्जन स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। राजगीर जाने वाले श्रद्धालुओं को मंगल तालाब के पास ही बस उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए इस तारीख को करें पंजीयन, खोला जाएगा एक कल्याण पोर्टल। जहां देखिए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलों की तरफ से मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर 5.2 लाख छात्राओं की जगह केवल 1.84 लाख लाभुक छात्राओं की पहचान की है। इसी तरह बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4.83 लाख बच्चों की तुलना में केवल 68% यानी की 3,31,280 विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है। वहीं 100% लाभुक को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए एक कल्याण पोर्टल पर एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया गया है। यह पोर्टल 1 जनवरी 2023 से खोला जाएगा। इसके आधिकारिक आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं को कन्या उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक राज्य की कन्याओं को प्रदान की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।